अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी SFDT फील्ड डेंसिटी टेस्ट, उसमें प्रोसीजर दिखाया था टेस्ट का ना, तो आपके कमेंट आ रहे थे कि उसमें आपने कहा था कि इसकी कैलकुलेशन भी करवा दें, तो आज जो है कैलकुलेशन है उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो लैब टेक्नीशियन के लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत सी अहम वीडियो हैं, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। अच्छा, ये FDT जो है मेथड, ये बहुत ही आम मेथड है जो यूज होता है हाईवे फील्ड में। इससे हम फील्ड डेंसिटी जो है ना वो मालूम करते हैं। ये तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम ड्राई डेंसिटी मालूम करते हैं जिस भी मटेरियल पर हम टेस्ट करते हैं। तो आइए ये प्रोसीजर हम इसका शुरू करते हैं। ये मैंने एक परफॉर्मर बनाया हुआ है, एक रफ सा। इसमें FDT फील्ड डेंसिटी टेस्ट या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इसे को कहते हैं। R2191 इसका मेथड है। इसमें जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वो है सैंड कोन बोतल, ये वाली जो, और उसके बाद प्लेट जिसके ऊपर रखकर हम पिट लगाते हैं। ठीक है, डिजिटल बैलेंस होता है जिसकी मदद से हम बैलेंस मालूम करते हैं मटेरियल का भी और सैंड का भी। उसके बाद हैमर, हथौड़ा, चीजल, छेनी, ब्रश और स्कोप, यानी कि जो हमारे पास स्कोप होती है जिससे हम मटेरियल को बाहर निकालते हैं। इसके बाद सैंड की जो सीव होती है वो 16-30 की सीव होती है, जो सैंड में लगा कर हम बोतल में डालकर टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। उस सीव जो है वो है 16-30 की। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम 15 सेंटी का होल लगाते हैं। ठीक है, लगाने के बाद क्या करते हैं, हम वेट ऑफ वेट सॉइल यानी कि होल में से जो मटेरियल निकलता है उसका वेट हम कंसीडर कर लेते हैं उसको ए। ठीक है, वो हमने जो परफॉर्म किया था और वेट जब हमने लिया था तो उसका वेट आया था 5724 ग्राम। इसके बाद इनिशियल वेट ऑफ सैंड इन बोतल, यानी कि बोतल का वेट, बोतल में जो सैंड डाली हुई है पहले उसका वेट, जो बिफोर पोरिंग वेट होगा उसका हम कंसीडर करते हैं 20। वो वेट है हमने लिए है 8500 ग्राम का। फाइनल वेट ऑफ सैंड इन बोतल, यानी कि पिट में, ये जो पिट है इसमें जब सैंड गई है इसके बाद जो इस बोतल में सैंड बची है, ठीक है, इस बोतल में जो सैंड बची है उसका वेट, ठीक है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं सी। वो हमारे पास था 3452 ग्राम। इस बार वेट ऑफ सैंड इन कोन, यानी कि ये जो कोन है हमारे पास, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो हम लेबोरेटरी से हमें दी गई होती है, गिवन होती है। इस कोन का वेट जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं डी। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, वो है 1700 ग्राम। इसके बाद वेट ऑफ सैंड इन होल, यानी कि होल के अंदर जो सैंड गई है, ठीक है, उसका वेट क्या है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं ई से। तो हम इसको किस तरह मालूम करेंगे कि बी में से माइनस सी माइनस डी, यानी कि 8500 में 3452 और 1700 ग्राम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 8500 माइनस 3452 माइनus 1700, तो ये देखते हैं हमारे पास 3348 वो वाला वेट है जो हमारा होल के अंदर सैंड गई है उसका वेट है। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सैंड, ये भी हमारा लेबोरेटरी से गिवन होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, इसको हम कंसीडर कर लें ई के बाद एफ। वो हमारे पास थी वैल्यू 1.407। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ होल ई एफ, एफ के बाद हम इसको कंसीडर कर लेते हैं जी। तो वॉल्यूम ऑफ होल हमें अपना इसका फार्मूला है ई माइनस एफ, यानी ई से मुराद ई की कीमत, यानी कि 3348 तकसीम यूनिट वेट ऑफ सैंड, यानी कि एफ, एफ की वैल्यू क्या है 1.407। तो ये हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ होल आएगा
9, ये मैंने कैलकुलेशन किया, आप खुद भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद है वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल, उसको हम जी के बाद एच कंसीडर कर लेते हैं। वेट डेंसिटी क्या है हमारी, कि जो हमने वेट ऑफ वेट सॉइल लिया है उसको हम तकसीम करेंगे वॉल्यूम ऑफ होल से, तो हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल आ जाएगी। तो ये थी बन गई ए तकसीम जी, यानी ए की वैल्यू यानी वेट डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ वेट डेंसिटी 724 तकसीम जी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ होल 23.79। तो इसके बाद इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 2.405। ठीक है, इसके बाद हम मॉइस्चर कंटेंट जो साइड पर जो मटेरियल हमारा निकलता है, स्पीडी मॉइस्चर हम लगाते हैं तो स्पीडी से ना, तो हमारे पास इस मटेरियल का जो मॉइस्चर आया था, मॉइस्चर कंटेंट है वो है 4। तो हम इसको कंसीडर करेंगे एच के बाद आई से, वो हमारे पास है 4। ठीक है, इसके बाद हम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल मालूम करते हैं, तो वो हमारे पास हम इसको कर लेते हैं जे। वो किस तरह मालूम करेंगे कि वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल 2.405, ठीक है, तकसीम आई, यानी आई की वैल्यू यानी कि 4 प्लस 100 तकसीम और सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100। वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेशन करने के बाद, यानी कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे 2.405 तकसीम आई की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू, जो ये जो हमारे पास ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल की वैल्यू आई है वो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगी 2.312। ठीक है, ये हमारे पास ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल आई है। इसके बाद लैब की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये याद रखिए इसको प्रॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन प्रॉक्टर ये साइट पर मशहूर है, लेकिन ये बंदे का नाम है उसका जिसने ये अपना प्रोसीजर किया था, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मालूम की थी। तो इसका असल नाम MDD है, यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, या प्रॉक्टर भी इसको कहते हैं, लेकिन प्रॉक्टर आदमी का नाम है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं के से, ठीक है। तो ये हमारे पास वो लैब की ड्राई डेंसिटी गिवन होती है 2.292। ठीक है, तो अभी हम कंपैक्शन मालूम करते हैं, तो कंपैक्शन का हमारे पास है फार्मूला जो है वो कौन सा होता है, L इसको कंसीडर कर लेते हैं, L इज इक्वल टू J तकसीम K, यानी कि जो हमारे पास साइड पर ड्राई डेंसिटी आई है उसके बिहाव पर जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है लेबॉरेटरी की, उसको उसके तनासब को हम मालूम करेंगे तो हमारे पास कंपैक्शन आ जाएगी। मल्टीप्लाई क्योंकि अपना परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाई 100 हम कर देंगे। जे की वैल्यू आई है हमारे पास यानी कि ड्राई डेंसिटी की 2.312 तकसीम के की वैल्यू आई है हमारे पास 2.292 जो हमारे पास गिवन है मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये मैं लास्ट कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, के 2.312 तकसीम 2.292 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी परसेंट। तो ये हमारे पास आ गई 100.87%। तो क्योंकि ये हमारा एग्रीगेट बेस कोर्स का जो है प्रॉक्टर भी था ये MDD, तो हम परफॉर्म भी एग्रीगेट बेस कोर्स का टेस्ट कर रहे थे, तो हमें जो रिक्वायर्ड कंपैक्शन थी ना, कंपैक्शन वो हमें थी 100। ठीक है, 100%, तो हमारा टेस्ट अपना कंपैक्शन आई है 100.87%। तो मतलब है कि हमारा ये टेस्ट पास है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी जो है ना कैलकुलेशन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।